हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खावन खंडी में। आज की वीडियो में हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाके उसका रिव्यू करने की बजाय घर पर ही जो हमारी यूट्यूब पे 100 डेज ऑफ थाली सीरीज चल रही है उसके बारे में जानेंगे। यानी हम लोग डेली बेसिस पे ये जो थालियाँ आ रही है वीडियो वो कैसे तैयार करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो लास्ट तक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फूड कंटेंट के लिए। तो फिर चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज की थाली बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आटा लेते हैं। आटे को छान के उसमें नमक मिला दिया और उसके बाद आटे को उसमें हमने गूंथ कर अलग से रख दिया। पहले हमने आटा लगाया, उसमें पानी डाल दिया और अब उसे हम रख देंगे साइड में। फिर इसके बाद आती है सब्जी की बारी। तो सब्जी में हम शिमला मिर्च और टमाटर बनाने वाले हैं, तो ये हमने शिमला मिर्च कट कर दिए, उसके बाद टमाटर काट लिए और उसमें थोड़े से हम लोग मटर भी ऐड कर देंगे। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म करके उसमें लेते हैं तेल। तेल को गर्म करने के बाद कढ़ाई में हम लोग डालेंगे जीरा। बिल्कुल, जब तेल हमें पता लगे कि गर्म हो गया है तब जीरा के बाद हम लोग शिमला मिर्च जो हमने पहले से काट के रखी थी वो डाल देंगे। इनको हम लोग थोड़ा सा पकाएंगे और इसके बाद हम लोग 1 चम्मच में अलग से लेंगे नमक, उसके बाद मिर्ची पाउडर, उसके बाद हल्दी और उसके बाद हम लोग लेंगे धनिया पाउडर। जब हमारी मिर्ची अच्छे से पक जाएगी तो हम उसमें ऐड कर लेते हैं मटर, क्योंकि इनको भी पकने में टाइम लगेगा, तो मटर को भी हमने पहले ऐड कर दिया। इस मिक्सर में हम लोग पानी मिला देंगे और इसे हम लोग कढ़ाई में डाल देंगे अपने मसालों के साथ। मसाले मतलब मिर्ची और हरे मटर के साथ। अब ये जब तक हमारा मसाला पकेगा हम लोग साइड में जो आटा पहले से रखा हुआ है उसको लेकर के उसको सही कर देंगे। यानी हमने आटे में पानी डाल के रखा था तो इसको वापस से एक बार थोड़ा सा गूंथ लेंगे और इसे बिल्कुल रेडी करने के लिए मतलब रोटियां बनाने के लिए रेडी करके साइड में रख देंगे। वापस आते हैं सब्जी की तरफ। सब्जी लगभग तो तैयारी हो गई है, लेकिन जब तक ये हमारा पूरा पानी नहीं सूखेगा हम इसमें टमाटर नहीं मिलाएंगे, तो साइड में रखे हुए आटे की हम लोग बना देंगे लेइया, ताकि हमें रोटी बटने में टाइम नहीं लगे और हम फटाफट उसे कर सकें। अब सब्जी का पानी जो है वो लगभग पूरा सोख गया है, तो इसमें हम लोग मिक्स कर देते हैं लाल टमाटर और इसे मुश्किल से 1 या 2 मिनट और पकाएंगे, तब तक हमारी सब्जी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। और आटा जो हमने साइड में रखा है उसकी लेइया हम पूरी बना लेंगे, क्योंकि एक साथ लेइया बना के रख के फिर खाना रोटियां बनाने में आसानी हो जाती है, फटाफट से बन जाती है। इसी के साथ हमारी सब्जी बिल्कुल खाने के लिए है तैयार। वाह, कितनी टेस्टी सी दिख रही है ना, मस्त बनाई मैंने बारे में। तो इस तरह से हमारी सब्जी को हम लोग ढक कर रख देंगे साइड में, और इसके साथ ही हम लोग रोटियां करते हैं बनाना शुरू। तो ये मैंने रोटी बना ली है एक, और दूसरी हमारी सिक रही है तवे पे। इस रोटी को हम लोग तवा साइड में लेके दोनों तरफ गैस पर सेक लेंगे। वैसे तो मैं रोटियों में एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ठीक है मैं फिर भी अच्छी बना लेती हूँ। हाय, कितना मस्त खाना बनाती हूँ मैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वाह, मुझे मस्त एक ढाबा खोल देना चाहिए। आपके क्या विचार है इस बारे में? और इस तरह से हमारी रोटी बिल्कुल पक कर रहे तैयार, और इसी तरह से हम लोग बाकी की रोटियां भी तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं थाली की। तो हम लोग सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख लेते हैं दरी बिछा के। उसके बाद हम लोग चूरमा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया थाली में गुड़, और इसके बाद लेते हैं गर्मा गर्म 2 से 3 रोटियां, और इनको अच्छे से बढ़िया मसल करके इसमें बना देंगे इनका चूरमा। हमारा चूरमा हो गया बिल्कुल तैयार, और इसके बाद हम लोग लेंगे थाली में सब्जी। जैसे आप हमेशा देखते ही हैं वीडियोस में जो 100 डेज ऑफ थाली सीरीज चल रही है उसके, सब्जी लेने के बाद हम लोग जो मतलब थाली में लेते हैं मिक्स नमकीन। मिक्स नमकीन, चूरमा और सब्जी आ गई है। अब हमें सलाद और रोटियां लेनी है, तो उसके लिए हम थाली में करेंगे जगह। इनको रख दिया साइड में,
और इसी के साथ प्याज जो मैंने अलग से काट के रख देती है वो लिए थाली में, और इसमें हमेशा की तरह हम लोग थाली में रखेंगे रोटियां, तो हमारी थाली हो जाती है कंप्लीट। और इसी के साथ वीडियो भी।